हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल पे, विशाल सर का चैनल। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैम क्या पढ़ाने वाली है। वैसे इतने रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम कुछ पढ़ा दो, तो हाँ मेरे पास भी आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। हम सब लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू फाइट करना पड़ता है, और बहुत लोग हैं जिनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। तो मैं इस चैनल पर जुड़ी हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपका फियर कैसे हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, हम इंटरव्यू क्रैक करना कैसे सीखेंगे। तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मेरा एक्सपीरियंस एचआर में रहा है अभी तक, तो आई नो हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, सिंस मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए अपनी हिस्ट्री में, अपने पास एक्सपीरियंस में 5 साल से इंटरव्यूज ही ले रही थी। सो आई टेल यू कुछ ट्रिक्स के आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो आर यू रेडी गाइज? अगर आप रेडी हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज आपको जितनी भी मैं वीडियोज बनाऊंगी आपका आपके पास सबका अपडेट आता रहेगा। सो वी आर रेडी फॉर इट। सो बेसिकली हम लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, एचआर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब इसको अगर आप नॉर्मल कंपनीज में जा रहे हो तो ऐसे बोलेंगे, अगर एमएनसीज में जा रहे हो तो वहाँ पे बोलेंगे वॉक मी थ्रू योर सीवी, टेल मी समथिंग अबाउट योर रेज्यूमे। ओके, तो आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है यार, आप भूल मत जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी लिखते हो अपने रेज्यूमे में, आप जो भी लिखते हो अपने रेज्यूमे, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो स्किल्स नहीं आती हैं तो आप उसे मत लिखो। कभी कभी एचआर उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एंड आप वहाँ पे हो जाते हो डीमोटिवेटेड, रीजन बीइंग आपको पता ही नहीं आपने अपने रिज्यूमे क्या लिखा हुआ है। आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, अगर एचआर आपसे पूछ लेगा तो आपको डर हमेशा लग जाएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, सच्चाई लिखनी है अपने रिज्यूमे पे। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप क्या चीज़ें बोलोगे इंटरव्यू में? फर्स्ट थिंग आप बताओगे अपना, आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो आप जहाँ से रह, जो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और अपनी एजुकेशनल हिस्ट्रीज के बारे में बताओगे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, आपने कुछ और किया हुआ है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, आपने कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आप उस चीज़ के बारे में बताओगे। आप अपनी हॉबीज के बारे में बताओगे, आप इंटरेस्ट के बारे में बताओगे, आपकी फिलोसफी क्या है लाइफ को जीने की। वीकनेस को इतना हाईलाइट नहीं करना है कि आपने बता दिया कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैं इस चीज़ से डर जाता हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप अपनी वीकनेस को भी ऐसे बताओ कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेस है, लेकिन मैं इसको अब कवर अप कर चुका हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप बताओगे तो एचआर को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आपको टेक्निकली कुछ नहीं आते क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो आप एचआर क्या देखती है आपके अंदर? एचआर देखती है आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हो, आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है उस जॉब में, दूसरी चीज़ वो ये देखती है। थर्ड थिंग वो देखती है कि आप कितना मोटिवेटेड हो, आप कितने अच्छे से उसकी बातें समझते हो, आप इतनी कितनी अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हो। सो बेसिकली हमारा इंटरव्यू होना चाहिए एक स्ट्रिक्ट वे में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं करूँगी, आप स्माइल भी नहीं करोगे, नहीं, मैं स्ट्रिक्टनेस मीन्स आपका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ओवर ना हो कुछ, कि आप ओवर कुछ बताए जा रहे हो जो कि उसको सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। इफ़ शी सेज ऐसे ऐसे करके अगर एचआर अपना मूवमेंट कर रहा है अपनी बॉडी का, दैट मीन्स वो और सुनना चाहता है आपके बारे में। तो आप अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब कवर करने के बाद अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो। दैट्स इट, सो यू कैन जस्ट क्लोज अप थिंग दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। तो ये हुआ अगर आप फ्रेशर हो। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली सिर्फ अपना नाम बताते हैं एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन डेफिनेटली वो अपने करियर पे चले जाते हैं कि आप उन्होंने पास करियर हिस्ट्री में क्या किया। स्टार्ट करो कि अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से कि मेरा डेजिग्नेशन ये है, ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं एंड ये मेरे सारे अचीवमेंट हैं। मैं टीम लीडर था या मैं आईसी रोल में था। आईसी क्या होता है? इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर। अगर आप अकेले काम करते हो तो वो आईसी रोल होता है, अगर आप साथ में काम करते हो तो वो टीम हो जाती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, आप अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे कि आपकी कंपनी में आपने क्या क्या इनपुट दिया है। तो बेसिकली ये सारी इंप्रेसिव चीज़ होती है, बिकॉज एचआर होती है टेक्निकली गुड, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्निकली उनको नहीं पता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे उनसे बात करते हो एंड हाउ इंटरेस्टेड यू आर। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए कि और क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एचआर, हम उनके कैसे कैसे आंसर्स करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी।
प्लस आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसका जो आंसर देगा कमेंट सेक्शन में जिसका बेस्ट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगी। एंड जिनको करेक्शंस चाहिए कि मैम हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वन एंड वन रिप्लाई करने वालों कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, आई एम कमिंग विथ फ्यू मोर वीडियोज़। बाय गाइज, टेक केयर।